शाजिया, आपके बारे में जब हम बात भी कर रहे थे कि 40 केजी अगर निकाला है तो लगता है जैसे आधा तो जिस इंसान आप छोड़ कर आगे तो मूवी देख रहे हो कि 40 किलो तो आपका वजन लग रहा है। ये मुझे बताएं, ये जो आपका जर्नी था वेट लॉस का जर्नी, क्या क्योंकि आप तो शोबिस से आपका ताल्लुक है, क्या आप कभी ये जर्नी क्या इसी किसी कमेंट की वजह से तो नहीं शुरू हुआ था? बिल्कुल इसी ही कमेंट की वजह से शुरू हुआ था। और ये कमेंट अब से नहीं सुनने को मिलते थे, स्कूल से सुनने को मिलते थे। इवन बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती थी कि कहती थी ये तो मोटी है, इससे हम दोस्ती नहीं करेंगे। अब आप सोचिए बुलिंग लेवल क्या होगा वहाँ पे उस स्कूल में, क्योंकि मैं अब जब आप ये सब चीज़ें बता रही थी ना, उस वक्त मेरे आँखों के आगे वो मेरा स्कूल का वो ज़माना, मैंने स्कूल छोड़ दिया था अपना, मैंने स्कूल छोड़ दिया था, 6th class से मैंने स्कूल छोड़ दिया था। देन आई गेव माय एग्ज़ाम्स मैट्रिक एंड इंटर वगैरह सब प्राइवेट मैंने दिया। मतलब आपने बुली को इतना, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा जी है। मैंने बीए तक अपना प्राइवेट मैं इतनी ज़्यादा हर्ट हो गई थी कि मैंने कहा मैं अब स्कूल में नहीं जाना, मैंने कॉलेज में नहीं जाना। आप लोगों को फेस मैं लोगों को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं समझ लें कि जो स्क्रीन पे जो मैं आई हूँ ना, ये समझे कि मैंने अपने साथ एक फ़ाइट की है। मैंने अपने सेल्फ के साथ मैंने वो कॉन्फिडेंस लेकर आई हूँ कि नहीं, मैंने अपने आप से ही लड़ना है, उस डर से लड़ना है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और मैं उसी मोटापे में मैं स्क्रीन पे आई, मैं सामने आई और मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने साथ लड़ना शुरू किया। देन मैंने शीशा देखना बंद कर दिया था, मैंने शीशा देखना बंद कर दिया था क्योंकि इतने डिप्रेशन में चली गई थी। तो लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन के आगे आना शुरू हुई तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करना चाहिए, अपनी लाइफ चेंज करना चाहिए। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि अपने मैं उन जितनी भी डिप्रेशन ज़्यादा ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि शीशे के आगे खड़े हुआ करो, अपने आप को देखा करो, अपने आप में खुद आप उसमें से अपने करेक्शन जब करेंगी ना तो खुद ब खुद आप मोटिवेशन में चली जाएंगी, खुद मोटिवेट होंगी। क्योंकि जब आप अपने आप का ख्याल रखना छोड़ देते हैं ना, जब अपने आप का तो मसला होता है। अभी हम आपके पिक्चर्स भी देख रहे हैं ये कब की पिक्चर है जो जिसमें रेड में है? ये 2013 की पिक्चर है, इसमें मैं एक्टिंग कर रही थी। इसमें एक्टिंग कर रही थी, लुकिंग ब्यूटीफुल। और वो वाली जो है वो 2018 की या 19 की पिक्चर है। सो आपने कितना वेट रिड्यूस किया कितने अरसे में? नहीं लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। 4-5 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में। और फिर उसके बाद जो मेंटेन करना होता है वो एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल वो वाकई मेंटेन करना वाकई, लेकिन आज हम उस वाले से बात भी करेंगे कि आप कैसे जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मुझे आप शाजिया ये बताएं, जैसे आप कहते हैं कि लोग जो बुली करते थे तो ये बुलिंग ये सिर्फ आप स्कूल तक ही थी, बट आप लाइक यू कैरिंग एवरीथिंग। जो अभी आपने रेड ड्रेस पहना हुआ था, यू लुकिंग ब्यूटीफुल, इसमें आपने इतनी खूबसूरत लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। ये तो खैर मेरे ख्याल से आफ्टर द वेट लॉस आपकी है। आफ्टर द वेट लॉस, दिस इज ब्यूटीफुल पिक्चर, आई रियली लाइक दिस पिक्चर, ये बहुत प्यारी पिक्चर है। और ये आप लुक एट यू, इतनी प्यारी लग रही है आप यहाँ पे। तो आप मतलब जो चीज हमें इतनी प्यारी लग रही है, आप बेसिकली उस वक्त एक कॉम्प्लेक्स से गुजर रही थी, गुजर रही थी एक मतलब इतने प्यारे चेहरे से तो मैं पता नहीं चल रहा कैसी कोई चीज़ ट्रॉमा पीछे होगा उसके। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। आपका चेहरा चाहे जितना भी खूबसूरत हो, आप जितने भी हसीन लग रहे हो, आप अगर सिर्फ इतना मेरा फेस को सिर्फ आप फोकस करें तो आप कहेंगे यू आर ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हैं तो वही बॉडी शेमिंग। ये देखें मैंने एज अ डिज़ाइनर मैंने एक दिए थे कपड़े वहाँ पे, तो जब मैंने रैंप वॉक किया अपने डिज़ाइनर्स के साथ, तो वो अपनी मॉडल्स के साथ, तो आधी तो मैं बुली हो रही थी कि देखें, और वो खूबसूरत डिज़ाइंस थे लेकिन वो लोग मेरी बॉडी को देख रहे थे, वो बॉडी उसके ऊपर बॉडी शेमिंग हो रही थी बाकायदा। लेकिन बस कहीं ना कहीं आ गया कि बस बहुत हो गया, क्योंकि मेरी हेल्थ भी उससे ख़राब होना शुरू हो गई थी, मेरे मेंटल हेल्थ, मेरी फिज़िकल हेल्थ, डिप्रेशन। मैंने कहा नहीं, अब चलने फिरने में मुश्किल होना शुरू हो गई थी, सिर्फ इस वजह से कि मैं सोच बहुत ज़्यादा रही थी,
बहुत सोच रही अच्छा होता है भी। आपने जैसे बात की थी ना कि स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनाता था, तो अक्सर मोटे बच्चे जो वो कहते हैं कि स्कूल में हमें कोई दोस्त नहीं बनाता अपना, ये बच्चों के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो खुदा रहा तो टीचर तो स्पेसिफिकली जो बड़ा ध्यान दें, और ऐसे बच्चे आप देखते हैं कि बच्चा कोई भी हेल्दी बच्चा है तो उसका स्पेसिफिक आप ख्याल रखें, क्योंकि मैंने वाकई देखा है कि वो बच्चा जो थोड़ा सा हेल्दी होता है ना वो एक आइसोलेशन में चला जाता है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कसूर ना हमारे ड्रामास हमारे फिल्म्स वगैरह का भी है कि हम जो मेन जो कैरेक्टर होता है ना वो हम कभी जो प्रोटैगनिस्ट का कैरेक्टर होता है वो कभी हम किसी मोटे बंदे को नहीं देते। हम कहते हैं जी मोटा बंदा है या तो वो कॉमेडी कर सकता है, कॉमेडी कर सकता है ठीक है, या वो कॉमेडी कर सकता है, या तो फिर वो मतलब वो साइड में वो साइड एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो कोई बातूनी सी बहन है जो कि तीसरे या चौथे नंबर पर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है कि हमें फिर उस मोटे बच्चे का इलाज नहीं करवाना चाहिए, हमें उस फिट बच्चे का इलाज करवाना चाहिए और मेंटली उसको एक हमें मोटे दिमाग वालों का इलाज करवाना, मोटे दिमाग वालों का इलाज करवाना चाहिए कि बेटा वो भी इंसान है और आप उसको इस तरह से डिग्रेड नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाने जा रही हूँ जिनको उनके मोटापे की वजह से जिनका घर ही ख़त्म हो गया, उनको डिवोर्स हो गई। हमारी बहुत सारी इस वक्त मैं बहनें में देख रही हैं, वो कहती हैं मैं सारा दिन घर में काम काज कर रही होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जिम जाऊँ, मैं किचन से फारिग हूँ तो मैं कोई और काम कर सकूँ। उनको लग रहा होता है शायद यही काम जो है ना इससे शायद मेरा वर्कआउट हो जाए, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होता, वो एग्जर्शन होती है। सो आज हमारे साथ डॉक्टर भी जो मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे भी कि भाई किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं कि क्या जो आपके पास भी इतने केसेस आते हैं कि जी हमारा जो वेट कम करना है वो किस नफसियात से लोग गुजर रहे होते हैं, क्योंकि कोई भी बंदा खुशी तो वज़न कम करने नहीं आता, वो किसी ना किसी मेंटल प्रेशर में आके आपके पास आता है कि जी मेरा वज़न किस तरीके से कम कर दें। ट्रू मदिया, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है। आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हम भी अगर हमारा भी 1-2 kg बढ़ जाता है तो इट इज़ स्ट्रेसफुल। तो जिन बेचारों का बचपन से बॉडी टाइप ही ऐसा होता है या कोई थायरॉयड PCOS से वो डील कर रहे होते हैं बेचारे, और एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स, मेनी अ टाइम्स तो ऐसा होता है कि उनका थायरॉयड डायग्नोज ही नहीं होता है, उनको बस उनका मेटाबॉलिज्म नेचुरली लो होता है, दे नीड मेडिसिन लेकिन किसी को पता ही नहीं होता है, और वो वेट बढ़ा चला जाता है, और जब एक एक्सटेंट तक पहुंच जाता है दवाएं नहीं मिलती हैं, वेट बढ़ता रहता है, तो विशियस साइकिल फिर बढ़ता ही रहता है, एंड देन डिप्रेशन एंड यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और आप बुलिंग की बात कर रही थी, मतलब अच्छे अच्छे स्कूल्स में भी जैसे मैं बोल रही थी कि इट्स नॉट दैट अ गुड इंस्टीट्यूट विल हैव ऑल द गुड चिल्ड्रन, यू नो इट फैमिली पे डिपेंड करता है ना कि आपने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की। तो मेरी बेटी शी गोज टू अ वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल, आई वुड नेम इट, तो वो उस एक टीचर वॉज बुलिंग अ ग्रेट 6 चाइल्ड और उसको बोल रही थी कि तुम मोटी का वर्ड उन्होंने यूज़ किया उस बच्ची के लिए। तो मेरी बेटी और उन्होंने 2-3 लड़कियों ने मिलके वो प्रिंसिपल से जाके उनकी शिकायत की कि हमारी दिस टीचर ने बॉडी शेमिंग की उस बच्ची। सोचिए अगर टीचर ये करेंगे तो स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा, मतलब उस बच्चे पे क्या गुजरेगा कि वो बचपन से ऐसी बातें सुन रहे हैं। आपका टीचर तो आपके लिए एक रोल मॉडल होता है, आपका रोल मॉडल आपको बोल रहा है कि तुम मोटी हो, सोचें आप, और आपको ऐसे मतलब पॉइंट आउट कर रहा है कि तुम मोटी हो, मतलब क्या रह गया फिर आप बच्चे के ऊपर। बच्चा तो बड़ों से ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, और जब वो बेचारी की सेंसिटिविटी को देखा ही नहीं गया और इतना हार्शली उसको बोल दिया गया तो ज़िंदगी भर उसके दिमाग में रहेगी, बचपन की तो बात